आइए आज की कक्षा में हम बात करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम की। पिछली कक्षाओं में जिन लोगों ने पढ़ा होगा उनको ज्ञात होगा कि हमने कंप्यूटर में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दो कंपोनेंट्स की बात की थी। हमारे सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स में आने वाला एक पार्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या है ये ऑपरेटिंग सिस्टम? एक ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? इस सवाल का जवाब लेने के लिए आपको यह पूरी वीडियो ध्यानपूर्वक देखनी होगी कि आखिर यह ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। जैसा कि जनरली आज डिजिटल वर्ल्ड में हम रहते हैं और ऐसे में कंप्यूटर शब्द से कोई अछूता नहीं है, और अगर कंप्यूटर शब्द से अछूता नहीं है तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक बहुत ही जरूरी हिस्सा होता है हमारे कंप्यूटर सिस्टम का। आखिर कंप्यूटर सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या रोल है वो जानने के लिए हम आज की कक्षा में बात करेंगे आपसे। उत्तर के तौर पे देखें, एग्जांपल आपको दिया जाएगा, एक उत्तर आंसर क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या। सो ऑपरेटिंग सिस्टम इज एन एग्जांपल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। इट कंट्रोल्स, कोऑर्डिनेट्स एंड सुपरवाइजेस द एक्टिविटीज ऑफ द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम। It also provides the interface between the user and component of the computer. Operating system एक उदाहरण है system software का। साथ ही साथ इसका कार्य क्या है? यह नियंत्रित करता है, सहयोग करता है और supervision भी करता है, देखभाल भी करता है उन सभी components की बात करें जो अलग अलग भिन्न प्रकार के components लगे होते हैं हमारे computer system में, उनके क्रियाकलापों पे देखना, समझना, उनकी देखभाल करने का काम भी हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है। साथ ही साथ कह सकते हैं हम कि यूजर और कंप्यूटर के कंपोनेंट के बीच का एक हिस्सा, बीच की एक कड़ी जो कि इंटरफेस कहलाती है हमारी ऑपरेटिंग सिस्टम। आइए एक एग्जांपल के तहत आगे आपको समझने की कोशिश करेंगे आप, और यहाँ पे एग्जाम्पल आपको दिया जा रहा है कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम किस तरह कार्य करता है। तो आगे बढ़ते हैं। स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे, एक तरफ एक व्यक्ति मूड में है कि वो एक गर्मा गर्म कॉफी पीने के लिए तैयार है। दिमाग में उसने बना रखा है कि आज एक गर्मा गर्म कॉफी हो जाए। और दूसरी तरफ आपको नजर आ रहा होगा एक फैमिली रेस्टोरेंट दिख रहा है। ये व्यक्ति रेस्टोरेंट की तरफ कदम बढ़ाए जा रहा है, आगे बढ़ रहा है, और ऐसे में पहुंचने के बाद इस व्यक्ति के पास एक व्यक्ति आता है जिसे हम जानते हैं कि वेटर कहते हैं। ये वेटर आया और वेटर ने सर से पूछा कि हाउ कैन आई हेल्प यू सर, मैं आपकी मदद कैसे कर सकता हूं। देन कस्टमर की इच्छा थी कॉफी पीने की, उसने जवाब में दिया वन कप ऑफ कॉफी प्लीज। इस तरीके से ये प्रस्ताव रखा गया कस्टमर द्वारा, और ऐसे वेटर कहां जाएगा, तो वेटर गया किचन सेक्शन में जहां की कॉफी तैयार मिले, और ऐसे में किचन से उस व्यक्ति से ये आग्रह करता है कि मुझे एक कप कॉफी का ऑर्डर मिला और मुझे एक कप कॉफी चाहिए। ऐसे में ये वेटर एक कप कॉफी लेकर पहुंचता है उस व्यक्ति के पास वापस, तरह उस कस्टमर को कॉफी प्राप्त हो जाती है, मिल जाती है। अब इस एग्जांपल को आप अपने दिमाग में बनाए रखेंगे और इस तरीके से आपको समझ आ रहा होगा कि एक व्यक्ति आता है रेस्टोरेंट जो कि रेस्टोरेंट में कॉफी के उद्देश्य से आया, कॉफी पीने का उसका मूड था और कॉफी पीने के लिए वो रेस्टोरेंट की तरफ आया। ऐसे में वेटर द्वारा पूछा गया कि आपको क्या चाहिए या क्या लेना है या मैं आपकी सहायता कैसे कर सकता हूं, और देन कस्टमर के ऑर्डर को लिया वेटर ने, और ऑर्डर नोट करने के बाद वो गया किचन सेक्शन में, रेस्टोरेंट का एक सेक्शन जिसे किचन सेक्शन कहते हैं, जहां से सभी डिशेज डिस्ट्रीब्यूट की जाती है, और ऐसे में कस्टमर के द्वारा मांगी गई जो चीज थी वो थी कॉफी, और कस्टमर तक कॉफी पहुंचे इसलिए वेटर ने कॉफी तैयार करके वहां से लिया और ला करके कस्टमर की सेवा में प्रस्तुत कर दिया।
अब हम देख सकते हैं कि स्क्रीन पर हमें नजर आ रहा होगा एक यूजर है जो कंप्यूटर सिस्टम ऑपरेट करने जा रहा है। ऑपरेटर सिस्टम दोनों की बात करें तो एक तरफ ऑपरेटर यानी यूजर जो कि हमारे दिए गए एग्जांपल में कस्टमर का रोल कर रहा है, कस्टमर यूजर सेम। दूसरी चीज आती है कंप्यूटर सिस्टम और किचन। कंप्यूटर सिस्टम में भी अलग अलग सेक्शन होते हैं, उसी तरीके से कंप्यूटर सिस्टम में हम बात कर रहे हैं किसी भी पार्ट की जिस पार्ट में जाना है। कंप्यूटर सिस्टम और यूजर के बीच की संबंध की बात, कस्टमर और किचन के संबंध की बीच की बात, इन दोनों के बीच में सामंजस्य जो स्थापित करेगा वो हमारा वेटर कर रहा है कस्टमर और किचन में, और यूजर और कंप्यूटर सिस्टम के बीच सामंजस्य स्थापित करता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम का रोल देखें आप अगर स्क्रीन पर, यूजर द्वारा दी गई इंफॉर्मेशन वो ऑपरेटिंग सिस्टम को मिलती है, ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर सिस्टम के अंदर उस सेक्शन में जाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम के पास कंप्यूटर सिस्टम के उस सेक्शन से वो चीज फिर मिलती है, और इस तरह ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर तक वो सूचना या डेटा लाकर पहुंचा देता है। स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे कि यूजर द्वारा ऑपरेटिंग सिस्टम को, ऑपरेटिंग सिस्टम से कंप्यूटर सिस्टम में, कंप्यूटर सिस्टम से फिर ऑपरेटिंग सिस्टम एंड ऑपरेटिंग सिस्टम से फिर यूजर तक, ये क्रम चलता रहता है और हम कंप्यूटर सिस्टम को आसानी से बहुत इजीली ऑपरेट करते रहते हैं। ऐसे में ऑपरेटिंग सिस्टम का रोल आप सभी को समझ में आ गया होगा, जैसे कि वेटर का नाम राम, श्याम, दिनेश, मोहन, पंकज कुछ भी हो सकता है, ठीक उसी तरीके से ऑपरेटिंग सिस्टम में भी नाम अलग अलग होते हैं, डॉस, विंडोज, लिनक्स एंड यूनिक्स। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, मैं आशा करता हूं कि आप सभी को ये वीडियो बहुत प्यारी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो कमेंट जरूर करिएगा और अपने दोस्तों तक भी जरूर शेयर करें, और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं जिससे कि नई नई वीडियोस और भी बेहतर आपको प्राप्त हो सके। इस तरीके से आप सभी ने वक्त दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस वीडियो को वॉच करने के लिए। आगे की वीडियोस और भी आपको मिलती रहेंगी, डॉस के बारे में, विंडोज के बारे में हम आगे बातें करेंगे, इस तरीके से ऑपरेटिंग सिस्टम में संबंधित कोई भी सवाल हो आप कमेंट में जरूर करें, आपको उसका उत्तर देने की हम पूरी कोशिश करेंगे। धन्यवाद।